नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कहीं आपको सफलता क्यों नहीं मिलती, बनते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके शनि के दोष को दर्शाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा के साथ चलती ये हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे गहरे विचारों को बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है, और ये भाग रेखा के हमारी सफलता के बारे में बताती है, हमारी व्यवसाय के बारे में बताती है। आपको बार बार सफलताएं ना मिलती हों, आपके बार बार काम में रुकावट आता हो, आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं और होते होते रुक जाता है, कहीं ना कहीं आपको शनि के दोष को दर्शाता है। जैसे कि ये शनि का जो पर्वत है, ये शनि का पर्वत दबा हुआ होता है तो क्या होता है, ये अपनी पावर को नहीं दे पाता है, दोष पैदा कर देता है। और दोष कैसे दूर होता है, शनि का उपाय करके, पूजा पाठ करके अपने भाग को बदल सकते हैं, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश हैं। सच का सामना करने वाले को शनि कभी परेशान नहीं करते हैं। अगर दोष है तो आप पूजा पाठ के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से उनको ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि यहां पे अगर आपकी भाग रेखा प्रबल है, सफलता तो आपकी दिखती है, लेकिन बनते बनते काम रुक जाते हो तो ये कहीं ना कहीं शनि का दोष को दर्शाती है। इसी प्रकार से ये जो भाग रेखा है, भाग रेखा आपकी ये टूट टूट के चलना और शिखर तक ना पहुंचना, ये भी आपको शनि के दोष को दर्शाती है। और ये शनि के पर्वत के ऊपर ये तिरछी लाइनें, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, यहां पे तिल क्रॉस, ये सारी शनि के दोष को दर्शाती है। कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम बिगड़ जाना, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाना, काम करने के बाद सफलता ना मिल पाना, ये सारी चीजों का जो दोष बनता है वो शनि का बनता है। भाग्य के विधाता, जो हमारा कार्य भी कोई हम करते हैं, उस कार्य में पदोन्नति न हो पाना, बढ़ोतरी न हो पाना, होते होते रुक जाना, इन सारी चीजों को दर्शाता है शनि की रेखा। सफलता नहीं है आपको तो ये आपके दोष को दर्शाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए आपको शनि के उपाय करना चाहिए, शनि के मंदिर जाना चाहिए और एक शमी का वृक्ष शनिवार के दिन लगाना चाहिए, उसमें नियमित आपने जल चढ़ाना चाहिए और सवा महीने के बाद आप उसमें एक सरसों के तेल का दीवा जला सकते हैं, इससे शनि की कृपा आपके ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक आप सूखा नारियल लें, सूखे नारियल को काटकर आप उसमें मेवे और मिश्री इन चीजों को भर करके उसको एक पेड़ के पास, किसी जहां पर कीड़ियां रहती हों वहां पर उसको गाड़ दें, और ये कीड़ियां जैसे उस मिश्री को और उस नारियल को खाना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं आपके इस शनि के दोष को दूर करेंगे।
और आपके भाग में बढ़ोतरी होने का काम करेंगे। ऐसा आप एक नियम से 7 शनिवार करना है तो देखेंगे आने वाला समय आपका बेहतर होगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।